वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका अच्छी स्वागत है। और आज क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया है तो हम लोगों ने सोचा कि आज कोई डिफरेंट सी वीडियो लेकर आते हैं और टाइटल बताएंगे मौजम। टाइटल है लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती, मोनिका सिंह पोएट्री। मौजम ये मैं बाद में पूछूंगी आपसे कि वाकई में आसान होती है या नहीं होती, लेकिन ये है कि मोनिका जी के नाम से हम लोगों को एक गाना याद आ गया, बट अभी हम गाएंगे नहीं क्योंकि हमारी आवाज बहुत खूबसूरत है। लेकिन वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चीटॉक्स। मेरा नाम मोनिका सिंह है और जिनके लिए आज मैं कविता लाई हूं उनके लिए कुछ दो लाइनें पढ़ना चाहूंगी। करते हैं फरमाइशें पूरी ये सबकी, करते हैं फरमाइशें पूरी ये सबकी, और अपनी ज़रूरतों का जिक्र तक नहीं करते। जी हाँ, ये लड़के ही हैं जनाब जो उठाए रखते हैं जिम्मेदारियां कंधों पर, मगर उफ तक नहीं करते। पोएट्री का टाइटल है लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। यूँ तो दिल में समंदर भरा है इनके, यूं तो दिल में समंदर भरा है इनके, पर आँखों में कभी नमी नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। थैंक यू। घर के बड़े हैं या छोटे, घर में बड़े हैं या छोटे, कंधे हमेशा जिम्मेदारियों से भरे रहते हैं। अपने ही परिवार की खातिर ये अपनों से ही दूर रहते हैं। घर वाले परेशान ना हो इनकी फिक्र में, इसलिए फोन पर हर बार मैं ठीक हूँ ही कहते हैं। लड़की की विदाई में तो जमाना रोता है, लड़की की विदाई में तो जमाना रोता है, और इनके घर छोड़ जाने की चर्चा कुछ खास नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। थैंक यू। माँ के लाडले बेटे हैं बेशक, माँ के लाडले बेटे हैं बेशक, पर अपनी अलग पहचान बनानी पड़ती है। एक नौकरी की खातिर सैकड़ों ठोकरें खानी पड़ती है। कभी हर बात में ढेरों नखरे होते थे जिनके, बाहर रहकर सारी फरमाइशें भुलानी पड़ती हैं। कुछ लड़कों को ज़रूरतें जगाए रखती हैं और कुछ को जिम्मेदारियां सोने नहीं देती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। फिर एक वक्त वो भी आता है जब इन्हें प्यार होता है। एक तरफ गर्लफ्रेंड तो दूसरी तरफ परिवार होता है। हालांकि सबके साथ नहीं होता, तो कुछ के घर वाले अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं। तो फिर एक वक्त वो भी आता है कि इन्हें प्यार होता है, एक तरफ इनकी गर्लफ्रेंड तो दूसरी तरफ परिवार होता है। जिंदगी को चुने तो घर वाले नाराज, और घर वालों की सुने तो सर पर बेवफाई का ताज होता है। किसी भी हालत में उलझने इनकी कम नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। थैंक यू। और अगली कुछ लाइनें मेरे दिल के बेहद करीब है और मैं सच में बहुत एडमायर करती हूँ वॉइस को इन चीज़ों के लिए, कि किसी भी हाल में शांत रहने का हुनर इनमें कमाल होता है। किसी भी हाल में शांत रहने का हुनर इनमें कमाल होता है। चीज़ों को सोचने समझने का नज़रिया भी बेमिसाल होता है। छोटी छोटी बातों पर ये अपना धीरज नहीं खोते, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें दर्द नहीं होता या इनके जज्बात नहीं होते। परेशानियां तो इनकी राहों में भी आती हैं, पर उनसे इनकी हिम्मत कभी कम नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। यारों के ये यार कहलाते हैं, निभाते हैं साथ तब भी जब सब साथ छोड़ जाते हैं। घर में पापा के सामने जिनकी जुबा नहीं खुलती, वो बाहर निगाहों से ही कमाल कर जाते हैं। माँ, बहन, बेटी, गर्लफ्रेंड सबसे हर रिश्ता बखूबी निभाते हैं। और दोस्तों की दोस्ती से बढ़कर इनके लिए कोई चीज़ नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम जनाब, लड़कों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। थैंक यू।
बात करें अगर आज इस शायरी की, तो शायरी एक ऐसी जुबान है जो कि होती तो लिमिटेड सी है, लेकिन उसके अल्फाजों में इतना कुछ छुपा होता है ना कि वो बहुत सारी चीजें जो है वो एक दूसरे बंदे पर जो है खोल देती है। वैसे मुझे ऐसा लगता है ना, आज मुझे कम और मौजूद को ज्यादा बोलने का चांस देना चाहिए। नहीं, आप भी बोलें। हाँ। लाजमी बात है कि क्या नाम लेते हैं, आपके घर में भी लड़के रहते हैं। हाँ, मेरे घर में लड़के रहते हैं, यानी कि मैं हूँ। हाँ। भाई है और शमवील भी है, अब्बू भी है, तो लाजमी बात है मेल ही है ना सारे, तो आप भी बोल सकती हैं। वेल, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस 4 मिनट की वीडियो में लड़कों के जज्बात, जो मतलब वो किसी से एक्सप्रेस नहीं करते, उन सब चीजों को बयान कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वाकई में सोसाइटी में ये चेंज आना चाहिए कि जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि मर्दों को भी एक्सप्रेसिव होना चाहिए, हमें इतनी स्पेस देनी चाहिए उनको भी, कि ये नहीं कि वो अपने अंदर वाकई में वो एक समंदर उन्होंने इकट्ठा किया हुआ और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अच्छा, वैसे मोस्टली होता है इसी तरह, लड़के जो है वो अपनी बातें अपने अंदर तक ही रख लेते हैं, बहुत भी अगर वो किसी से करें तो अपने बहन भाइयों से करने की बजाय ना वो अपने यारों दोस्तों से बातें शेयर कर लेते हैं। वैसे मैं तो इनसे भी कर लेता हूँ, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो अपने यारों दोस्तों से कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये चीज हकीकत है कि अगर लड़का जॉब कर भी रहे ना, उसके बावजूद भी वो सोचता रहता है कि यार मैं आगे और कितने रस्ते ढूंढ सकता हूँ जिंदगी में कि मैं और मजीद इससे बेहतर आगे जा सकूं। वैसे यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि ये ना रिस्पॉन्सिबल मर्द की बात हो रही है यहाँ पर, ये जितनी भी डिस्कशन हम कर रहे हैं और या शायरी में हम लोग ना, क्योंकि ऑब्वियसली हर मर्द एक जैसा नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं और अच्छे वही लोग लगते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभाते हैं, चाहे वो मर्द है या औरत है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के टाइम में जहां पर औरतें ये इस चीज का भी दावा करती हैं कि हम लोग यू नो हर चीज में इक्वल हैं और हमारे राइट्स इक्वल होने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है फिर बहुत सारी जगहों पे मर्दों को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, जो मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं पर नाइंसाफी कर जाते हैं। वैसे एक चीज है कि इक्वालिटी की जितनी मर्जी बात करें, नो डाउट इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन एक जगह आके इक्वालिटी खत्म हो जाए। तो मैंने आपको मैसेज भी भेजा था, कहां पे मतलब खुद ही बता, मर्द 5 शादियों में 1 सूट पहन सकता है, औरत नहीं पहन सकती। देखिए कितना कॉम्प्रोमाइजिंग है मर्द यार, मर्द बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं और ये सच है। मैं मतलब अगर मैं अपने अब्बू को देखूं, ये वाली अगर मैं बात करूं, अगर मौजम तो फिर भी मतलब इसमें थोड़ा कम कॉम्प्रोमाइजिंग है, अब आगे ये भी अब कपड़े दिन से हर फंक्शन में थोड़ा चेंज कर ही लेता है, लेकिन पर मैं उस तरह नहीं करता जैसे हम लोग करते हैं। वो भी क्या नाम लेते हैं, मैं मेरी वैसे कोशिश ये थी कि पुराने हैं वही मैं निकाल के उनमें से पहन लूं, लेकिन ये फिर मुझे फोर्स करती हैं इस चीज में भी, कहती आप नहीं कहती, नहीं कहती, मेरी बात सुने, इसके पास है, मैं सच बता रही हूँ, इसके पास अच्छे कपड़े इतने हैं ही नहीं, ठीक है ना, तो इसको मैं कहती हूँ कि अच्छे कपड़े खरीदा करो, चाहे लिमिटेड स्टॉक रखो लेकिन एक अच्छा क्वालिटी वाला एक स्टॉक अपने पास रखो, अपनी वार्डरोब अच्छी बना। अब तुम मुझे सच बोलने पर मजबूर कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद अब आकर इस चीज में समझदार हुई हूँ, क्योंकि पहले मैं कहता था कि हर फंक्शन में नया ड्रेस, हर फंक्शन में नया ड्रेस, अभी भी बहुत हद तक मैं ये करती हूँ जो कि मुझे लगता है गलत है। और अब तो इनके पास ड्रेसेस इतने ज्यादा हो गए ना कि वो रिपीट भी करें ना तो मेरा ख्याल है 2-3 साल बाद ही बारी आए। सच में वाकई, लेकिन अब मुझ में इतनी सेंस आ गई है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं अभी शर्ट कोई और, ट्राउजर कोई और, लहंगा कोई और, चोली लहंगा चोली एक ही होता है, ब्लाउज कोई और, मतलब ये सारे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रास्ट करके पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं, तो घर के मर्दों का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मुझे भी ये फील होता है, मैं अगर अपने फादर को भी देखूं तो जिस तरीके से उन्होंने सारी जिंदगी बाहर गुजारी और मतलब हमारे लिए उन्होंने सब कुछ मतलब किया, मैं कहूंगी कि वाकई में उन्होंने अपने ऊपर कभी भी उस तरह से चीज अपने ऊपर खर्च नहीं किया, मतलब जो मैंने देखा है उन्होंने हमेशा हमारी सहूलत देखी, चाहे हम लोग जैसे भी हम लोगों ने एक लाइफ गुजारी है, उन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन लाइफ देने की कोशिश की। और मुझे लगता है हर माँ बाप यही कोशिश करता है, बिल्कुल माँ बाप की तो यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहनाएं, अच्छे से अच्छा जो है खिलाएं। लेकिन फिर भी क्या नाम लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं समझते, बच्चे कई होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते। खैर, यहाँ पे अब हम लड़कों की बात कर रहे थे, जिम्मेदारियों की बात कर रहे थे, जहां से इतनी लंबी डिटेल हो गई, तो नो डाउट बंदा वही अच्छा लगता है जो जिम्मेदारियां ले, जो जिम्मेदारियों से भागे ना वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ट्रू, मैं भी इस चीज से अग्री करती हूँ, खूबसूरती कभी भी देखने में नहीं होती, खूबसूरती आपकी आदतों में होती है, खूबसूरती
आपकी जो प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ मतलब गुजार रहे होते हैं और आप किस तरह से आपके बिहेवियर में बिल्कुल होती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना मौजम के ना एक मर्द का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है चीजें बैलेंस रखने में, और ऊपर वाले ने उसको बनाया ही ऐसा है कि हम लोग अगर बात करें जैसे हम फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मर्द जो है वो फिजिकली स्ट्रेंथ में औरतों से ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, और लेकिन मैं ये बात बोलती हूँ कि जो बैलेंस रखना होता है ना लाइक लाइफ में, घर में, रिश्तों में, बिल्कुल मेरे मुताबिक मर्द का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक मर्द चाहे तो वो अपने परिवार को भी अच्छे तरीके से रख सकता है, दूसरी साइड पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी अच्छे तरीके से रख सकता है, अंडरस्टैंडिंग और उसकी कन्विंसिंग पावर और उसका डोमिनेशन किस तरह का एक लीड करने वाला, मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्लीज इन सब चीजों को कुछ लोग रिलीजियस चीजों से मत जोड़ना, क्योंकि ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मतलब डोमिनेशन वो वाली नहीं कि भाई मैं मर्द हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, नहीं, बैलेंस रखना हर चीज। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखें जो होता है ना खूबसूरती की जैसे बात की, देखें इंसान खूबसूरत होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसमें वो एक तमीज और एक वो ना हो, तहजीब ना हो, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे जो है मैं बाबा बुल्ले शाह हैं उनका एक शेर है, ये वैसे वो एक गाना भी है लता जी का, उसमें भी ये बोल जो है वो बोले गए थे, सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना मौज बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोहबत यारा। वाह वाह, मतलब अब इसकी तशरीह भी कर दो ना, इसका यानी कि बुलबुल जो है वो हमेशा जो है वो यानी बाग में गाती है ना, नहीं गा सकती, और सदा जो है जिंदगी में बहारें भी नहीं रहती, फिर उसके बाद आपके हुस्न और जवानी जो है ना ये भी एक वक्त तक रहती है, तो एंड पे आपके पास क्या बचता है, आपका इखलाक, आपकी अच्छी अच्छी नेचर, बिल्कुल, जो आपको आपके साथ एंड तक चलती है और लोग उसके साथ ही आपकी पहचान बनाते हैं। लेकिन पता क्या मौसम, मुझे लगता है कि अभी ऐसा टाइम है ना कि अब मर्दों को भी एक्सप्रेसिव होना चाहिए यार, उनको बताना चाहिए अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को, जिसके साथ भी वो शेयर करने में, या फ्रेंड को, लेकिन अगर बीवी है तो फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ना मर्दों में अब ये चीज होनी चाहिए कि वो बताएं, एक्सप्रेस करें, और औरतों को भी ये चीज समझनी चाहिए और घर के बड़ों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि जो एक लड़का है उसके इमोशंस होते हैं, और उसको भी मुझे लगता है इतनी स्पेस मिलनी चाहिए। मुझे अच्छे से याद है जब हमारा बड़ा भाई जब गया था, अब मतलब मेरी अम्मी कभी भी विलिंग नहीं थी कि वो साथ में जाता, लेकिन ये कि उसकी जिद थी कि उसने जाना, मेरी अम्मी हमेशा ये चाहती थी कि वो यहाँ पर बिजनेस करे, लेकिन एनीवे लड़कों को बड़ा शौक होता है कि भाई हम लोग बाहर की जिंदगी गुजारे, और फिर वहां पर जाकर उसको कितनी प्रॉब्लम हुई ये हम लोगों को पता है। लेकिन ठीक है, वो वहां चला गया, सेटल हो गया, उसके बाद वो खुश भी था, खैर वो फिर वापस आ गया। तो नोट, जिंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो जिंदगी जो है बस अच्छी गुजरनी चाहिए, हंसी खुशी गुजरनी चाहिए, और जो है सब लोगों को एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना चाहिए, एक दूसरे की सिचुएशन को समझना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता कि हमेशा जो है वो लड़का ही गलत हो, लड़कियां भी गलत हो सकती हैं, दोनों भी गलत हो सकते हैं। तो आजकल जो टाइम चल रहा है, मुझे तो लगता है कि कोई भी इशू हो ना आपको दोनों साइड की स्टोरी सुननी चाहिए, स्पेशली जिसमें एक तरफ मर्द हो और एक तरफ औरत हो, क्योंकि सिर्फ आंसुओं पर नहीं जाना चाहिए, दूसरी तरफ ये ना हो कि अगला बंदा दिल में रो रहा है और हमें उसके बारे में पता ही नहीं कि चाहे वो सही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें भी जो है ना वो मतलब दोनों साइड की स्टोरी सुनने के बाद लोगों को भी डिसीजन। बिल्कुल, और वैसे भी जो एक बहुत मशहूर है हमारे, अगर यहाँ पे बात करें, लड़के की आंख से आंसू निकल रहे हैं तो पास की माई बैठी हो तो वेखो जिन्नानिया मगर रोंदा जा रहा है। तो मुझे बुरा लगता है भाई, क्यों बोलते हैं ऐसे, नहीं बोला चाहिए, क्योंकि फिर पता है क्या, मर्द भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। बिल्कुल, कि मतलब अब अगर हम कहेंगे तो लोग हमारे बारे में ऐसे बातें करेंगे, और अगर इस तरह का नाम जोड़ दिया जाए तो वो फिर बहुत बुरा भी लगता है। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, जहां पर हम बहुत सारी चेंजेस चाहते हैं कि लड़कियों के हिसाब से, फीमेल्स के हिसाब से होनी तो होती है या होनी चाहिए, वहां पर मर्दों के हिसाब से भी होनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारी दोनों चीजों में
बैलेंस रहना चाहिए। अब औरत मार्च अब हम मर्द मार्च करेंगे। कर लो भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो अगर भाई मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा भी ये लगा था कि इस मंथ का जो औरत मार्च हुआ उसमें बहुत सारे मर्दों ने सपोर्ट किया। ऐसे ही सोसाइटी चेंज होती है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है और उससे सोसाइटी में बेहतरी आ सकती है, तो क्यों नहीं मर्द औरत को और औरत मर्द को सपोर्ट कर सकती, सही बात है। कर सकती है। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या सोचना है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ईमेल करके भी। और प्लीज अगर आपने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया अपनी लाइफ में, कुछ होती है बहुत सारी बातें आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते, तो प्लीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में, ईमेल्स में शेयर करिए, मतलब आप थोड़ी प्राइवेसी। और जिससे भी आप अपनी बातें जो है शेयर करना चाहते हैं, आप जो है उसे जरूर शेयर करें, जरूर अपने अंदर की जो फीलिंग्स है, बेशक आपका बाप है, आपका भाई है, आपकी माँ, बहन, बीवी, फ्रेंड, जो भी है, आप उसे जरूर जो है एक्सप्रेस करें अपनी बातें कि भाई हाँ ये चीजें मैं भी सोचता हूँ। वैसे यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जब मेरी अम्मी जिंदा थी ना, तो वो हमें ये बोला करती थी, मतलब कि मुझे अपना दोस्त बनाओ। और मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात होती है, माँ बाप बच्चों को अपना दोस्त बना लेते ना। जब हम छोटे थे ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना वो फ्लेक्सीबल होते, सही बात, ठीक है। तो बड़े होकर फिर उन्होंने और हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम लोग इतना ज्यादा इंजॉय करने लगे उनके साथ। और मेरा ख्याल में आज शायद इसी वजह से हम लोग बहन भाइयों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि मैं कहती हूँ कि हम लोगों को कभी बाहर की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब फ्रेंड्स होने चाहिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन फिर भी हमारी बॉन्डिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। वेल गाइज, आप जरूर बताइएगा कि आप किस किस से अपनी बातें शेयर करते हैं। हमारे से शेयर करेंगे तो बातें कहीं नहीं जाएंगी, इसलिए आप बिना डर के हमारे साथ बातें शेयर कर सकते हैं। और अभी हमें इजाजत, हमारे चैनल गुड बाय।